Assalamu alaikum. I'm Mirza Zohaib Beg, and you are watching the channel name is the Zohaib channel. So today I'm going to explain the next topic of communication. So the topic name is the resting membrane potential. The question is, what is the membrane potential? जब हम potential की बात करते हैं तो potential mean the capacity to do work. किसी भी काम करने की सलाहियत को हम पोटेंशियल बोलते हैं बट व्हेन यू डिस्कस अबाउट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट मीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू डू वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू डू वर्क दिस इज कॉल्ड एज अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल द मेम्ब्रेन देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल द फर्स्ट वन इज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल द सेकंड वन इज कॉल्ड एज द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल द फर्स्ट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सो व्हाट डू यू नो अबाउट दिस काइंड ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में होती है तो या कोई भी स्टिमुलस प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पा रही होती तो देन क्या होता है कि उस दौरान रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली हम बोलते हैं द नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस The net difference of charges that mean the positive charges that are present outside and the negative charges present in the inside or the there's the multiple kind of different charges like the sodium charges sodium ions potassium ions chloride ions so the net difference of charges across a membrane you can say that in the non-conductive neuron jo hai uske मेम्ब्रेन के आर पार जो भी नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस होता है उसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं ये वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जिसमें प्रॉपर पोलराइजेशन डेवलप होती है बाय पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूरॉन की आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीजन जो है वो और जबकि इनर जो एनवायरमेंट है इनर एनवायरमेंट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की रीजंस क्या है कौन से फैक्टर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंट्रोल करते हैं इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये एक न्यूरॉन स्ट्रक्चर को देखा गया और इसको वोल्ट मीटर लगा के जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखा गया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है तो इट ऑलवेज शोज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द -70 mV -70 mV दैट इज इक्वल टू द -0.0507 volts So this is a -70 mV, you can say that membrane potential. So you can see here the outer region of the plasma membrane or the neuron is the positively charged while the inner region is the highly negatively charged. So just like that in the next neuron, you can see what kind of charges are present in the high concentration in the outer environment. So you can observe the sodium ions are highly high in the number in the outer region, but potassium ions are lesser in their number. So what do you say about resting membrane potential? जैसे मैंने बताया कि net difference of charges है across the plasma membrane, the non-conductive neuron, और इसमें positive और negative charge जो है वो permeability रखते हैं. लेकिन ये resting membrane potential जो है जो कि -70 mV है इसके यूनिट जो है -70 mV है इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दी है इसी तरह ना सिर्फ पोटेशियम आयंस अंदर होते हैं बल्कि क्लोराइड आयंस भी अंदर होते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आखिर वो कौन सी रीजन है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनर रीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज और तो जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन सोडियम आयंस दे आर मोर कंसंट्रेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस एंड नेगेटिव प्रोटीन्स दे आर हाईली concentrated in the inner environment sodium and potassium content constantly diffused through the ion channels in the plasma membrane larger chloride ions and huge negative proteins cannot cross this plasma membrane so you can see here in this plasma membrane through this plasma membrane these are the sodium potassium gates through because of which potassium ions move through this from the inner region to the outer region these are the specialized channels through which the sodium ions move in the inner environment but you can see here these are the three sodium ions the three sodium ions move outside the environment from the inner environment of the cell and two potassium ions in reverse of this two potassium ions move inside the neuron from the outer environment ye aisa kaise hota hai aise kyon hota hai ye abhi hum dekhte hain अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आपको ये सोडियम पोटेशियम पंप नजर आएंगे कि जिसके थ्रू जो है सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम जो है वो अंदर मूव करता है ये पंप का क्या रोल होता है इसमें एनर्जी यूज होती है नहीं होती ये भी मैं आपको बताता हूँ और इसके अलावा ये देखिए सो दीज आर द ओपन चैनल्स These are the open channels, or you can say that these are gates that involve the movement of the ions, the movement of the sodium and potassium ions. What do you know about sodium and potassium ATPase pump? ये pump क्या करता है?
देखिए ये एक ऐसा पंप होता है जैसे कि मैंने बताया कि जिसके थ्रू जो है सोडियम आयन जो है वो इनर इन्वायरमेंट से आउटर इन्वायरमेंट जा रहे होते हैं, और जब वो आउटर इन्वायरमेंट जा रहे होते हैं तो पोटेशियम आयन जो है इन्वर्स टू दिस जो है, दो पोटेशियम आयन अंदर आते हैं जो है तीन सोडियम आयन पाए जाते हैं। इसका मतलब कि ज्यादातर पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो बाहर मूव करते हैं, तो दैट्स वाई कि बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर टू पे हम यू कहते हैं कि जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन्स जो है दे आर टेन टाइम्स ग्रेटर इन देयर आउटर इन्वायरमेंट, यानी वो आउटर इन्वायरमेंट में वो 10 गुना जो है वो ज्यादा होते हैं, जबकि जो पोटेशियम आयन्स है वो 20 टाइम्स ग्रेटर होते हैं इनर इन्वायरमेंट में, यानी आपस में कंपेरेटिवली, यानी आउटर इन्वायरमेंट में सोडियम आयन 10 गुना ज्यादा है देन द इनर सोडियम आयन्स, जबकि पोटेशियम आयन जो है वो 20 गुना ज्यादा इन द इनर इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू द आउटर पोटेशियम आयन्स। बट इसके बावजूद भी सोडियम बाहर ज्यादा होने की वजह से सोडियम आयन्स की वजह से न्यूरोन के ऊपर जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है पोटेशियम के कम होने की वजह से, या यूँ कह लें कि क्लोराइड आयन्स की वजह से। नंबर टू ऐसा क्यों होता है, इसकी रीजन मैं बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ तरह की क्लोराइड आयन्स हैं, वो क्लोराइड आयन्स जो है वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो क्लोराइड आयन्स जैसे यहाँ पे देखिए ये क्लोराइड आयन्स हैं, ये भी इसके थ्रू मूव करते हैं, जबकि सोडियम आयन्स भी जो है वो इन चैनल्स के थ्रू जो है उनकी मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है, वो मूव करते हैं इनर इन्वायरमेंट से आउटर इन्वायरमेंट। लेकिन इसके बावजूद भी जो क्लोराइड आयन्स हैं वो इनर इन्वायरमेंट ज़्यादा हैं, नंबर वन। नंबर टू ऑर्गेनिक मालिक्यूल जैसे कि प्रोटीन ज़्यादा है अंदर अंदर वाली साइड पे, और नंबर थ्री पोटाशियम आयन्स जो है वो अंदर कम है। ये तीन चीज़ें हैं पोटाशियम आयन्स एज कम्पेयर टू आउटर सोडियम आयन जो है उसकी नस्बत जो है पोटेशियम आयन कम है। तो जब ये तीन चीजें ये तीन फैक्टर्स मिल के अंदर नेगेटिव चार्ज डिवेलप करें, जबकि ज्यादा बाहर पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिर्फ सिर्फ सोडियम आयन्स के ज्यादा होने से है। तीसरा पॉइंट ये है कि परमिबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन जो है वो इस मेम्ब्रेन में से आसानी से पास कर जाते हैं, वो जो है वो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू कैरियर चैनल्स के थ्रू, यानी पंप ना भी होगा तो तब भी मूव करेगा। ये पंप जो है बेसिकली हम जी कहते हैं कि सोडियम आयन, तीन सोडियम आयन इनर इन्वायरमेंट से जब आउटर इन्वायरमेंट में जाएंगे और दो पोटेशियम आयन आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट देखे जाएंगे, तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज अक्रॉस इज द अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मीन द मूवमेंट ऑफ सोडियम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन एंड द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, इसके अलावा सॉरी दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू विद द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि अंदर जो है वो नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। सो दिस इज टोटली अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम देखते हैं कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए जरूरी है कि जो है वो चार्जेस रिवर्स हो, मतलब ये कि पॉजिटिवली चार्ज जो है वो अंदर पॉजिटिविटी अंदर डिवेलप हो और बाहर नेगेटिविटी डिवेलप हो। डेट मीन जो पोलराइजेशन स्टेट थी वो डीपोलराइज होगी ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन एक्शन की फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें इस डीपोलराइजेशन डेवलप करने के लिए बॉडी को एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस? द मिनिमम स्टिमुलस दैट इनिशिएट द इंपल्स, जो इंपल्स को इनिशिएट करता है उसे हम बोलते हैं दिस काइंड ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि डीपोलराइजेशन हो जाएगी, यानी ये रिवर्स होगा। वहां पर सोडियम पोटेशियम गेट्स यूज हो रहे थे, यहाँ सोडियम पोटेशियम सॉरी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप यूज होता है कि जिसमें एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होती है, लेकिन यहाँ पर सोडियम पोटेशियम गेट्स इस्तेमाल होता है कि जो जिसमें डिफ्यूजन के थ्रू यानी हायर कंसेंट्रेशन से मालिक्यूल्स हैं वो लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो डीपोलराइजेशन डेवलप होती है। डीपोलराइजेशन क्या होता है कि व्हेन स्टिमुलस अप्लाइड परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन्स इंक्रीजेस, यानी वो सोडियम आयन्स परमिबिलिटी बढ़ जाती है, सोडियम आयन्स अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो अंदर आते हैं। जब पॉजिटिवली चार्ज अंदर आते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पे जो -70 मिलीवोल्ट की फॉर्म में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो -70 बजाय +50 मिलीवोल्ट जनरेट हो जाएगा। डीपोलराइजेशन टू सर्टेन लेवल जो है मतलब सारी की सारी न्यूरॉन के ऊपर जो है वो डीपोलराइजेशन नहीं होती, सिर्फ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डीपोलराइजेशन देखने को मिलती है, कंप्लीट डीपोलराइजेशन नहीं है। डीपोलराइजेशन टू सर्टेन लेवल इसी तरह इसमें होता ही है कि सोडियम जो है सोडियम चैनल्स जल्दी से ओपन होते हैं, जब सोडियम आयन्स ओपन होते हैं चैनल्स ओपन होते हैं तो सोडियम आयन्स अंदर की तरफ इन्फ्लक्स करते हैं, सोडियम गेट्स क्लोज हो जाते हैं, देन उसके बाद जो है वो
देन जो है वोल्टेज पोटेशियम गेट्स से ओपन होते हैं, जबकि नतीजे में पोटेशियम गेट्स के थ्रू पोटेशियम आयन बाहर मूव कर जाते हैं। देखिए जो जिस रीजन में स्टिमुलस पहुंचता है वहां पर चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन हो जाती है। जब डीपोलराइजेशन हो जाती है तो इसका मतलब है कि अंदर सोडियम आयन अंदर आ रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज अंदर डेवलप हो रहा था और बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। लेकिन जब ये सोडियम जब स्टिमुलस इस पॉइंट से आगे मूव करेगी, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेगी न्यूरॉन के, तो इस पार्ट पे क्या होगा कि सोडियम गेट्स बंद हो जाएंगे और उसकी जगह पोटेशियम गेट्स खुल जाएंगे। पोटेशियम गेट खुलेंगे तो अंदर से, क्योंकि अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा है तो अंदर से पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम आयन जो है वो बाहर जाना शुरू कर देंगे। जब वो बाहर जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो है वो आप कह सकते हैं कि इसके नतीजे में पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो देन अगेन जो है वो बाहर पॉजिटिवली चार्ज डिवेलप हो जाता है। तो ये आ जाता है डीपोलराइजेशन प्रोसेस। इसी तरह जब ऐसा होता है कि जब पोटेशियम आयन जो है वो बाहर जाते हैं तो वो रीजन जहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो चुका था एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से वो दोबारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पॉजिटिविटी का डेवलप होना दिस इज कॉल्ड एज अ रीपोलराइजेशन। प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बेसिकली एक ट्रिगरिंग ऑफ स्टिमुलस मिलता है मुसलसल, जब बार बार जो है स्टिमुलस मिलता है तो उसके नतीजे में एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो है वो ट्रेवल करती है लॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन और उसे हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। हाइपर पोलराइजेशन समटाइम ऐसा होता है कि ये ज्यादा जो है बिल्डिंग ऑफ मोर नेगेटिव देन -70 mV अक्रॉस मेम्ब्रेन। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड बेसिकली वो कंप्लीट पीरियड है, वो कंप्लीट पीरियड है कि जब एक मेम्ब्रेन जो है वो हाइपर पोलराइज होती है, यानी वो पोलराइजेशन उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस, यानी वो पोटेशियम आयंस जो अंदर से बाहर जा रहे हैं उन पोटेशियम आयंस के अंदर से बाहर जाने से क्या होगा कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर चला जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बाहर हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये जो है ये हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड है। All or none law क्या होता है? What do you know about all or none law? All or none law जो है ये basically हम कहते हैं कि जब एक threshold मिलता है और action membrane potential start होता है तो ये stimulus जो है वो बार बार मिलने से intensity बढ़ जाती है, इसकी शिद्दत बढ़ जाती है action membrane potential की, और इसके नतीजे में जब ये शिद्दत बढ़ती है तो न्यूरॉन का वो पार्ट जिसे एक्सोन बोलते हैं वो क्या करता है कि वो एक फायर लगाता है, वो एक आप कह लेंगे इम्पल्स जनरेट करता है, और इस इम्पल्स के दौरान यहाँ तो सारे के सारे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बॉडी के अंदर जो है मैसेज प्रॉपरली पहुंचेगा और यहाँ जो है वो मैसेज नहीं पहुंचेगा, जिसे हम आल और नन लॉ बोलते हैं। सो दिस इज टोटली अबाउट द एक्शन एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर हम इस जो है वो ग्राफ अंदर देखें तो हमारे पास एक तरफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, दूसरी तरफ टाइम इन मिली सेकेंड लिया गया है, और ये सबसे पहले -70 mV जो कि रेस्टिंग स्टेट है, रेस्टिंग स्टेट में हमें यहाँ पर पोलराइजेशन मिली थी, यानी बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था। सडनली क्या हुआ कि जो है थ्रेशोल्ड मिला, एक स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस की वजह से जो मीडिया है वो डीपोलराइज हो गया, जब डीपोलराइज हुआ तो अंदर नेगेटिव हो गए जो थे, सॉरी अंदर जो नेगेटिव थे वो बाहर चले गए और जो बाहर पॉजिटिव थे वो अंदर आ गए, जिसके नतीजे में चार्जेस जो है वो रिवर्स हो गए। जब यहाँ पर पहुंचा तो ये पॉइंट जो है ये पीक थी डीपोलराइजेशन की। लेकिन फिर क्या होता है कि जब पोटेशियम गेट्स खुलते हैं, दैट मीन जब पोटेशियम गेट्स खुलते हैं तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाते हैं, जब पोटेशियम बाहर मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो डीपोलराइजेशन है दोबारा से रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है, और जब ये ज्यादा आयंस लूज हो जाते हैं और इन ज्यादा आयंस के लूज होने से ये डीप टू द नॉर्मल लेवल मूव कर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपरपोलराइजेशन। तो ये बेटा आज का टॉपिक था, आई होप आपको रेस्टिंग और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।